इसको कोई टाइम नहीं चाहिए, जैसे आपने टैप खोलना है इसने पानी को गर्म भेजना है। ये चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पे भी और सोलर पे भी। ये 3000 वाट से लेके 6000 वाट तक है। कितनी स्टोरेज है पानी की? ये इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी। मैं आपको इसका साइज भी दिखाऊंगा। इसमें कोई टैंक नहीं है, इसमें कोई ऐसी स्टोरेज नहीं है जिसमें पानी ने पहले आना है, फिर गर्म होना है, फिर निकलना। और जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा, इसका फ्लो ही ऐसे है कि जैसे ही पाइप में से गुजरेगा तो ये ऑटोमेटिकली गर्म आएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलेहरी। नाज़रीन, सर्दियों की आमद आमद है और सर्दियां आते ही गर्म पानी जो है वो हर घर की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बायस जो है वो मुमकिन नहीं हो पाता। बड़े बड़े गीज़र्स हैं लेकिन गैस ना होने के बायस जो है वो काम नहीं करते, और अगर गैस आ ही जाए तो उन्हें जो है वो पानी गर्म करने के लिए अच्छा खासा वक्त जो है वो दरकार होता है। लेकिन इन सारे मसलों का जो है हल मार्केट में आ चुका है, इंस्टेंट गीज़र, यानी कि इंस्टेंटली आप पानी गर्म कर सकते हैं। फोड़ी फोड़ी आप गीज़र ऑन करें, पानी जो है वो गर्म होगा, आपके नल से जो है वो पानी बिल्कुल गर्म आपको इंस्टेंटली जो है वो मिलेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल रिव्यू करते हैं, हमारे साथ अहमद भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई मैं ठीक, आप सुनाएं। अहमद भाई, ये क्या प्रोडक्ट लिया है मार्केट में? सर, जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी मेरी कोई 2 साल से वीडियो चल रही है इंस्टेंट गीज़र की। ये मार्केट में जी इंस्टेंट गीज़र आ चुका है, डायरेक्ट इम्पोर्टर ही चाइना की, इम्पोर्टेड चीज़ है, लोकल नहीं है। और ये इंस्टेंट गीज़र वो है जिससे फौरी पानी गर्म करना है। इसको कोई टैंक स्टोरेज नहीं चाहिए, इसको कोई टाइम नहीं चाहिए। जैसे आपने टैप खोलना है इसने पानी को गर्म भेजना है, और जैसे आपने टैप बंद करना है इसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी कट ऑफ कर देनी है और पानी भी इसने ख़त्म कर दिया। ये चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पे भी और सोलर पे भी। ये 3000 वाट से लेकर 6000 वाट तक है। अब लोग 3000 वाट सुन के डर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लोगों के सोलर लगे हुए हैं। 15 kVA का सोलर है, 10 kVA का सोलर है, उससे ज़्यादा की कैपेसिटी का है, तो वो ईजिली इसको चला सकेगा। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें 3000 वाट है, 4000 वाट है, 5000 वाट है और 6000 वाट है। इसी के अंदर ही ऑपरेट होती हैं दो चीज़ों को, इकट्ठे बटन को मैं आपको दिखाता हूँ, पैनल को दबा के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सोलर पे भी चलेगा, लेकिन सोलर आपका 15 kVA को तो एटलीस्ट होना चाहिए, जिस पे आप जिस तरह एसी चला रहे हैं घर पे, एक एसी 2000 वाट पे चलता है, तो आप एसी समझ लें ये एक एसी की बिजली लेगा। लेकिन ये इसने कंटिन्यूअसली चलना नहीं है। मैं लोगों को बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ, लोग मुझे कॉल पे कहते हैं ये 3000 वाट है, 6000 वाट है, ये तो बिजली का कबाड़ा कर देगी। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई इसमें आप परेशान ना हो, जिस तरह घर में इस्त्री होती है 2000 वाट की, 2500 वाट की एटलीस्ट इस्त्री होती है, तो वो कितना चलती है? उसने फ्लुएंटली नहीं चलना होता, उसने जब चलना है जब आपको एट द टाइम ऑफ नीड चलना है, जब आपने अपने कपड़े इस्त्री करने हैं तभी उसमें चलना है। तो ये इसीलिए है, जब आपने वजू करना है, नहाना है, वॉशरूम जाने से तभी चलना है, उसके अलावा नहीं चलना है। कितनी स्टोरेज है पानी की? तो ये भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टोरेज नहीं है, ये इंस्टेंट है। इंस्टेंट का मतलब होता है फौरी। मैं आपको इसका साइज़ भी दिखाऊंगा। इसमें कोई टैंक नहीं है, इसमें कोई ऐसी स्टोरेज नहीं है जिसमें पानी ने पहले आना है, फिर गर्म होना है, फिर निकलना है। इसने जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा, इसका फ्लो ही ऐसे है कि जैसे ही पाइप में से गुजरेगा तो ये ऑटोमेटिकली गर्म आएगा। इसको इसलिए इंस्टेंट कहते हैं, इसलिए 3000 वाट पे काम करता है, क्योंकि एक 2000 वाट का जो एलिमेंट का आम गीज़र होता है वो आधा घंटा लेता है पानी को गर्म करते हुए, और उसने आधे घंटे बाद जाके पानी को गर्म देना। बड़ी छोटी सी और स्मार्ट सी डिवाइस है, इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग करें और दिखाएं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जी मैं इसकी बिल्कुल आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी है मैं उन्होंने उनको भी आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल पोर्टेबल सी डिवाइस है, उसको आप ईजिली कैरी करके जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं, और ईजी टू इंस्टॉल है। एक इनलेट है, एक आउटलेट है, दो पाइप चाहिए आपको, एक पानी देने का और एक पानी निकालने का, दैट्स इट। ज़बरदस्त, इसको ज़रा ओपन करें और नाज़रीन को दिखाएं कि ये क्या प्रोडक्ट है और इसके अंदर क्या क्या जो है खसूसियात पाई जाती है। ये इसकी ब्रैकेट है, इसने वॉल पे लगना है और इसने इस पे हैंग हो जाना है। ये इसका यूज़र मैनुअल है और ये इसके पेच हैं, दैट्स इट। ये इसकी फिटिंग है जी, ठीक है। और ये जी इसकी पैकिंग है, आप इसकी पैकिंग भी देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ये देखिए जी, ज़बरदस्त। ये ग्लास टॉप के साथ है, क्लैरिक शीट के साथ है, डिजिटल इसका डिस्प्ले है, इस पे दो अप एंड डाउन की ऑप्शन है, आप टेम्परेचर भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं, ये शो भी करेगा, शावर चलेगा ये भी शो करेगा, और इस पे आप दोनों रख के अगर इसको दबाएंगे ना तो उसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि 4 इसमें वॉट्स की ऑप्शन है, 3000 वॉट, 4000 वॉट, 5000 वॉट और 6000 वॉट, जितना मैक्सिमम आपको गर्म पानी चाहिए उतना आपने इसको वॉट पे चलाना है। जितना मर्जी गर्म पानी चाहिए वो इंस्टेंटली ही वो इंस्टेंटली होगा। यहाँ से आपने इनलेट देनी है, ये आपने उसको आउटलेट देना है, इसने आपने इसको लगा देना है। इंस्टॉल वॉशरूम्स वगैरह में होगा? जी जी, वॉशरूम में कर लें, किचन में कर लें, जहाँ आपको ज़रूरत है, लेकिन करना आपने इसको सिंगल जगह पे ही है। लोगों ने वायरिंग अपने पूरे घर में कराई होती है और वहाँ ना लगवाएं इसको, क्योंकि वो बड़े गैलन्स वाले चलते हैं, तो हमारे पास भी हैं, वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है हमारे पास। तो ये जी यहाँ से आपने इसको टैब या शावर या दोनों जो भी आपने इसको देना है। ये इसके स्पेक्स है, मैं स्पेक्स इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, लोग बेचारे परेशान होते हैं कि ये कितने वॉट पे चलेगा और ये इतने वॉट पे क्यों चलेगा। तो इसने सिर्फ थोड़ी देर के लिए चलना है, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जितना आपने नहाना है और वजू करना है सिर्फ इसने उतना चलना है। जस्ट लाइक इस्त्री के एग्जांपल देता हूँ मैं, जिस तरह इस्त्री घर में चलती है,
3000 वॉट से 6000 वॉट ये स्पेक्स हैं इसके। GNN के रेफरेंस से अगर कोई कस्टमर, GNN के रेफरेंस से कोई आए, उससे पहले कुछ भाई लोग आए हमारे पास जिसको जिनकी वीडियो आपने देखी भी थी, तो वो उनके रेफरेंस से आएंगे तो आपको 22000 रुपये का मिलेगा। मैं आपको क्लियर प्राइस बता रहा हूँ 22000 का। लोगों का माइंड सेट ये होता है 2-3 हज़ार की चीज़ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग क्यूरी के लिए बहुत कॉल करते हैं भाई इसकी प्राइस क्या है एक्चुअल। एक्चुअल हम मार्केट में, आप आबिद मार्केट लाहौर विजिट करें आज ही, और मार्केट में आप हमारी ही शॉप से किसी लड़के से पूछे तो आपको 28 से 25 हज़ार से नीचे नहीं बेचेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे पास आते हैं, हमारा एक रिलेशन है, एक व्यूवर्स को हमने बताना होता है, तो जी हमने उनके लिए सिर्फ 22000 रखा है, फिर भी लोग डिमांड करते हैं कि भाई इसको कम करें कम करें कम करें, तो जी हमारे लिए जो होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाम की खिदमत करेंगे, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि जो मैंने डिटेल्स बताइए थोड़ा उसको पॉइंट ऑफ व्यू रख के फिर मुझे कॉल करें, क्योंकि भाई जान लोग 6 बजे कॉल करते हैं, रात को 4 बजे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मेरा बराबर है, लोग टाइम नहीं देखते, वो जैसे ही वीडियो देखते हैं वो उसी वक्त मैसेज पे मुझे छोड़ देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, तो आपकी मेहरबानी ज़रा ऑफिस टाइमिंग में कॉल करिएगा, और मैं आपको नंबर भी बताता हूँ 0308-6596 0308-6596। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज छोड़ें, कॉल ना भी मैं उठाऊँ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कहने को तो इंस्टेंट है, ये वाकई इंस्टेंटली काम करता है जी भाई जान, ये इसलिए 3000 वॉट पे ऑपरेट इसलिए होता है क्योंकि उसने फौरी गर्म पानी करना है। अब देखिए चीज़ ने एक फ्लो में आना है, इसको टाइम चाहिए नहीं, स्टोरेज चाहिए नहीं कि ये पानी को गर्म करे और निकाले, इसने फ्लो में आना है, उस फ्लो का पाइप के अंदर इतनी हीट होगी कि जो पानी को गर्म करेगा और इसको बाहर निकालेगा ना, इसलिए 3000 वॉट 4000 वॉट मतलब मिनिमम 3000 वॉट पे चलेगा, और मैक्सिमम जिसने बहुत ज़्यादा कहना है कि जी मुझे फुल बिजली चाहिए फुल गर्म पानी चाहिए वो उसको 6000 वॉट पे चला ले। सबसे पहले जी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, घर में बच्चे होते हैं सब हैं, इसको आपने चलाना है मोटी तार पे, एसी वाली तार पे जिसे कहते हैं, क्योंकि आपको वोल्टेज का ही आइडिया हो गया, इसको आम तार पे या आम सॉकेट पे नहीं चलाना, जिस तरह लोग अगर हीटर होते हैं 2000 वॉट का 4000 वॉट का, उसको आप आम एक्सटेंशन में यहाँ चलाएं तो पिघल जाएगी, उसको आपने मोटी तार पे चलाना है, इसको वायर आपने मोटी कनेक्शन देना है, और फिर इसको कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, ये चलेगा और बेहतरीन चलेगा। वारंटी इसकी कोई नहीं है, लोग कहते हैं जी वारंटी आप क्लेम करें, करने को हम कर सकते हैं एज ए दुकानदार, लेकिन जो चीज़ एक्चुअल है जो फैक्चुअल चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा, ये चाइना की चीज़ है। नज़रीन ये है इंस्टेंट गीज़र, आपने इसका डिटेल रिव्यू देखा, आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी, अगर आप भी ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, यूज़ कर आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।